बरकातहू। सदर मजलिस बारिस्टर सऊद यूनिवर्सिटी साहब की हिदायत पर और जनाब जाफर हुसैन मेहरान साहब की नुमाइंदगी में मुझे इतला मिली हुमायूं नगर से। हमारे इब्तदाई सदर नवाज साहब और इब्तदाई सदर जाहिद साहब ने मुझे इतला दी कि यहाँ पर हुमायूं नगर में एक लड़की जो डम है उसको एक साई नामी लड़का बाथरूम में 2 घंटे से बंद कर कर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और बच्ची का नाम समरीन बेगम है। तो मैंने फौरन वहां पर पहुँच कर CI हुमायूं नगर से रابطہ किया और हुमायूं नगर SI विनोद कुमार आकर हम उसके घर से उस बच्चे को छुपा दिया गया था। हम वो बच्चे को अरेस्ट किए और हुमायूं नगर को लेकर आए और बच्ची को भी यहाँ हुमायूं नगर लेकर आए और इंशाल्लाह यहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद FIR, अभी FIR तो बुक करा रहे हैं हम, और इंशाल्लाह मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद चार्जेस फ्रेम कर वो साई नामी लड़के को हम रिमांड करवाएंगे। बच्चा हुमायूं नगर का रहने वाला है और ये जो समरीन बेगम है उनके घर के बिल्कुल सामने रहता है ये बच्चा, और काफ़ी हफ्तों से जो है 5 महीने से तकरीबन जो है मुसलसल हरासमेंट कर रहा था एरिए में, और जहाँ भी ख़वातीन थे वहाँ पर जाना बैठना और लोगों को छेड़ना, ये ईव टीजिंग का काम मुसलसल 5 महीने से चल रहा था। और आज जो है घर पर कोई भी नहीं रहने की वजह से, गांधी हॉस्पिटल में है उनके वालदा और लोग, तो उसका फ़ायदा उठाकर ये लड़का घर में घुस आया और लड़की दम रहने की वजह से, गूंगी रहने की वजह से वो किसी को इतला नहीं कर सकी। बाद में जो है तकरीबन 2 घंटे के बाद जब बच्ची नहीं दिख रही थी घर में, तो उनके घर वालों ने ढूंढा तो देखा कि बाथरूम में बच्ची को बंद कर लिया था। ये लड़का जो है, ये लड़का जो है साई नामी लड़का तकरीबन 4-5 महीने से जो है ऐसी ईव टीजिंग का काम कर रहा था, छेड़म छाड़ी इनके साथ और कई लड़कियों के साथ गली में कर रहा था। तो आज हॉस्पिटल में रहने की वजह से मौका मिला उसको, घर पर कोई नहीं थे और बच्ची का फ़ायदा उठाया, क्योंकि बच्ची जो है गूंगी है, उसका फ़ायदा उठाकर उसने घर में घुसाया। तो ये शाम में तकरीबन 9 बजे के टाइम पर हुआ, मैंने हुमायूं नगर CI से रابطہ किया और उन्होंने तवक्कुन दिया है कि इमीडिएट उसको FIR कर रिमांड करेंगे। इंशाल्लाह हम भी मेडिकल एग्जामिनेशन को लड़की को भिजा रहे हैं। लड़की के जेठ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सिकंदर साहब उनके, और एक जो है फ़हीम साहब यहाँ पर सब मौजूद है, कलीम साहब सब मौजूद है। इंशाल्लाह हम इसका फॉलोअप करेंगे और बराबर हम देखेंगे कि इनको इंसाफ मिले। लड़की शादीशुदा है और एक बच्ची है उनकी, और 24 साल की लड़की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीम है, मैं हुमायूं नगर में रहता हूँ। मेरे घर के पास जो है ना साई नाम का बच्चा है, 5-6 महीने से जो है ना रिकवर कर रहा था हमारे को, 5-6 महीने बैठ के देखते रहता था। कई वक्त वार्निंग दिया था मैं इसको, भैया नको बैठो, चीज नहीं है घर में, लेडीज रहते आप मत बैठो, देखो आप बोलते हो। फिर बराबर हम जो है ना वो करके बैठता था हमारे सीट पे, उसकी अम्मा को भी कई वक्त बोला आपका लड़का यहाँ बैठना अच्छी चीज़ नहीं है, अंदर अंदर बुला लो उसको, या कहीं आजू बाजू किधर भी जाके बैठ जाओ बोलो। तो नहीं नहीं मेरा बच्चा इधर ही बैठता, तू क्या करता तू कर ले, तू बोल के बोले थे उन्होंने पर। अब जो है ना मैं जो है ना हॉस्पिटल में बिजी हूँ, हमारे वालदा एडमिट है, दिमाग का प्रॉब्लम है उनको, तो हॉस्पिटल में गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ मैं, एडमिट है अभी इस वक्त। तो जो ना मुझे मौका हॉस्पिटल में, वो सिलसिले में हॉस्पिटल में थे, उन जो है ना क्या करा बोलते, उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने फायदा क्या उठाया बोले तो, अब घर में कोई भी नहीं है, ये अच्छा मौका है। हमारे घर के सामने एक गेट है, मेरे घर में 1, 2, 3 दरवाजे है, एक बड़ा गेट है, 2 दरवाजे है, तो वो दरवाजे गेट के अंदर सामने एक वॉशरूम है, बाथरूम है बड़ा। ये वाक़ बराबर 8:30-9 के बीच दरमियान में फोन आया मेरे को, अटेंड ये 5-6 महीने से है, 5-6 महीने से हो रहा। मेरे भाई के वाइफ है जेठ उनका, बच्ची गूंगी है, गूंगी का तो बहुत फायदा उठाया, मेरे को तो इंसाफ हो रहा मेरे को, बस मेरे कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे को जो है ना मेरे भाई की बीवी खासी साहब को मैं फोन करा, खासी साहब 5 मिनट में आके जो है ना ये मसले को देखे कॉम्प्लीट करे, मेरे को इसका इंसाफ चाहिए भाई, और कुछ भी रखो मेरा भाई भी गुंगा है। बच्ची गुंगी है, भाई भी गुंगा है, दोनों भी गुंगे हैं, बस मसला है ये। साई की बच्ची की साई एरिया का नाम मेहदीपटलम हुमायूं नगर, हुमायूं नगर आता है।
घर एमएलए साहब के ऑफिस के बिल्कुल लेफ्ट साइड गली में है, एमएलए साहब के जस्ट राइट मूर्ति के लेफ्ट में घर है मेरा। एमएलए साहब अभी नहीं कर रहा साहब, मैं अकेला आदमी हूँ, घर में बिजी नहीं के बाद हुआ कम्प्लीट। अब बेटर हसन साहब आएगी जो है ना 5 मिनट में जो है ना वो करिए, इंसाफ होना इंसाफ होना साहब इंसाफ होना। अब मेरा भाई तो बोला थोड़े दिन पहले की वाल अम्मा जो है मारी भी उनको